Hello everyone, welcome all to my YouTube channel. Aman here, I'm your yoga and fitness instructor. You all are doing great. Therapeutic yoga का हम use करते हैं कि आपके body में कोई issues आ रहे हैं जिसकी वजह से pain हो रही है या फिर आपके normal जो routine work है उसमें दिक्कत आ रही है, तो उस चीज़ को treat करने के लिए आप therapeutic yoga का use करते हो. और therapeutic में हम slow करते हैं और breathing focus more होता है जो therapeutic yoga है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. आज हम जिस एरिया को कवर करने वाले वो आपका लेग्स की साइड में सीवियर पेन होता है, जो कि लेडीज़ की टर्म में बहुत कॉमन होता है. उसका रीज़न हो सकता है कि झटका पड़ना या फिर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर सिंपल नस का खींच जाना, जो कि मतलब कई बार आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज़ अ नेचुरल थिंग, तो उसके बारे में आप कभी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते हो. कोई भी इशू कभी भी आ सकते हैं, सो इट्स क्वाइट नॉर्मल. और उसके लिए सबसे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उसको उससे कैसे डील करोगे. डोंट गेट पैनिक. हमारी बॉडी में अगर सीवियर इशू नहीं हो रहे, इट्स नॉट डेथ सेंटेंस. अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल रूटीन है, जो कि काफ़ी टाइम से एक पेन है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है और आपको बस डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं लग रहा है, तो सिंपल स्ट्रेचिंग अगर आप पे करोगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बेटर होगा. सो फर्स्ट, अगर कोई भी पेन आ रही है तो मैं आपको एक्यूप्रेशर बता देती हूँ. फोर्थ फिंगर के टिप से आप प्रेस करोगे, पेन हो रहा है तो वो निकल जाएगा. ये फोर्थ फिंगर टिप को प्रेस करोगे, टो टिप को, और उससे भी आपका जो साइड का पेन है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा. सो सेकंड, आई विल शो यू स्ट्रेचिंग. फर्स्ट, कम इन साइड पोजीशन. टेक राइट एल्बो डाउन, राइट नी डाउन, स्ट्रेट और लेफ्ट लेग, कम इन दिस पोजीशन. इजी फॉर्म है, रिलैक्स पोजीशन है, कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं देंगे. सो नाउ फॉर द वार्म अप, ब्रीथ इन, टेक अ लेग अप, ब्रीथ आउट डाउन. ये करते टाइम भी पेन आएगी, मैं पहले बता देती हूँ, फिर भी आपको करना है. अगर आप चाहते हो कि आपकी पेन खत्म हो जाए तो आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा. सो ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, डू इट 5 times. ये हो गया हमारा वार्म अप. इसके बाद आप दोगे अच्छे वाले स्ट्रेचिंग. सो नाउ ब्रीद इन, टेक अ लेग अप. अभी आप फील करोगे कि आपके पेन आ रही है. अब आपको रूट पे जाना है कि यहाँ पर किस एंगल पे पेन आ रही है. यूजली इस एंगल से पेन आ जाती है. अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रही है तो टेक इट अप. वो एंगल आपको डिटेक्ट कर रहा है जहाँ से पेन आ रही है, तो उस एंगल पे स्टे इन दिस पोजीशन. नाउ डू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डू इट 5 times, देन टेक अ लेग डाउन. अगर 5 नहीं हो रहा है तो जितनी ब्रीदिंग आप कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करना. और अगर ये करते टाइम में पहले बता देती हूँ, पेन आएगी, जो कि आने ही वाली है, लेकिन ये ख़त्म करने के बाद ही आपको इंस्टेंट रिलीफ फील होने वाला है. सो डू इट 5 times ईच साइड. ब्रीदिंग आपके ऊपर है, हर बार कोशिश करना कि ब्रीदिंग आप हर बार इंक्रीज़ कर सको. लेकिन इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो कम से कम सेम ब्रीदिंग में 5 times रिपीट करना है, और सेम विद द ऑपोजिट. इसी को आप ऑपोजिट के साथ करना. सो आपको प्रेशर करना है और स्ट्रेचिंग देनी है, तो ये करते करते आपको दूसरे तीसरे दिन में काफ़ी रिलीफ फील होने वाला है. सो ट्राई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू इट नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.